अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब, यहाँ हो रही है मॉर्निंग और ये मॉर्निंग का टाइम है, ये शाम का टाइम बिल्कुल नहीं है। आज जो है वो दरअसल बच्चों के स्कूल में थी फेयरवेल पार्टी ना, तो स्कूल खुल गए थे तो 2 दिन बच्चे स्कूल गए, उसके बाद उनका आ गया था कि फेयरवेल पार्टी है, तो बस बच्चों के एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कुछ बेकरी आइटम मंगा लिए थे, पिज़्ज़ा बेकरी जो पिज़्ज़ा होता है छोटा सा वो, और 2 चिप्स के पैकेट थे और जूस वगैरह थे, और ये सारे डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह ये सब मैंने मंगा के रखी हुई थी। साथ में जो है वो यहाँ पर मैंने नगेट्स तल दिए थे, ये घर पर रखे हुए थे तो मैंने ये तल दिए थे। तो बस अभी जो है ना बच्चों की तैयारी मैं करवा रही थी जल्दी जल्दी, और आज जो है मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो बच्चों के जाने के बाद जो है मैंने बिल्कुल भी मैं सोई नहीं, फिर उसके बाद मैंने जो है बहुत सारे आज काम निकाले थे घर के, कपट का काम था, कुछ क्लीनिंग थी, तो वो सारे काम मुझे आज निपटाने थे। तो मैंने यही सोचा कि बच्चे चले जाएंगे तो आज मैं जो हूँ मॉर्निंग में सोऊंगी नहीं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चों की तैयारी चल रही है, ईद विद के कपड़े जो थे वो डिसाइड किए जा रहे थे, क्योंकि 3 सूट थे तो उसमें से आज कौन सा पहनना है। अच्छा, अब्दुल्ला को जो है ना हमारे ग्लासेस का, वॉचेस का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है कि वो बस ग्लासेस लगा के जाए अच्छे से अच्छे ना। और जो अब्दुल हादी हैं उनको ज़रा से कपड़ों का बहुत शौक़ है कि मेरे पास ऐसी पैंट होनी चाहिए, चेक वाली शर्ट्स होनी चाहिए, उन्हें चेक वाली शर्ट्स पहनने का बहुत शौक़ है, और पैंटें होनी चाहिए इस तरह के, वो बन ठन के रहना पसंद करते हैं ज़्यादातर ना। तो अब जो है इन लोगों के जाने का टाइम हो गया है, बस ये जाते हैं तो फिर हम अपने काम में लगते हैं। तो बस एक्साइटमेंट देखकर बच्चों को अपना ज़माना याद आ गया कि हम भी इतना ही खुश होते थे अपनी ईद मिलन पार्टी में जाने के लिए, चाहे ईद हमने बहुत अच्छी क्यों ना गुजारी हो। अच्छा, फिर दिन में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और काम जल्दी जल्दी निपटाने थे। तो अब ये शाम से मैंने फिर स्टार्ट लिया था। तो यहाँ पर जो है मैं कोरमा बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कोरमे के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करके रखी हुई है। चिकन कोरमा बनाना था तो दही था, प्याज ज़्यादा कट कर ली थी, लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैंने पैकेट मैंने मंगा के रखा हुआ था मसाले का, अपने हबी को बोला था फैला के रख देंगे, तो जब मैंने देखा तो वो था कढ़ाई मसाला। अब उसके हिसाब से मेरे पास टमाटर नहीं थे, तो वो फिर मैंने यही काम किया कि मेकिंग मैंने कोरमे की करी दही और प्याज के साथ, जैसे कोरमा बनता है प्याज पीस के दही में मिलाकर, तो वो मैंने मेकिंग करी है यहाँ पर, और टेस्ट जो है वो कढ़ाई का आ रहा था। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है खाना तो बन गया था और माशाल्लाह जायकेदार ही बना था। तो हंसी भी मुझे बहुत आई क्योंकि हस्बैंड अक्सर यही करते हैं कि कभी कुछ मंगाओ तो कुछ से कुछ चीज़ आ जाती है, और फिर वो बाद में मानते भी नहीं है कि नहीं तुमने यही कहा था। कैसी रही फेयरवेल पार्टी? आया था और क्या हुआ? शेयर करा था सबके साथ अपना लंच। और शेयर किया था, म्यूजिकल शेयर्स भी हुई थी। हमारे जमाने में भी जो है ना वो ईद मिलन पार्टी होती थी। हमें मिलता था, अच्छा हमें हमारे जमाने में तो जो है ना वो पैसे जमा होते थे स्कूल में ना, फिर जो क्या होता था फिर ये होता था कि वहाँ से जो है ना प्लेट बनकर आती थी, जब लंच टाइम होता था प्लेट बनकर आती थी, और उसमें एक समोसा रखा होता था, चिप्स होते थे और एक बनाना होता था, और ऐसी अच्छा खाना जो है ना वो मेरा यहाँ पे तैयार हो गया था, और जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैं हाथ के आती जो हूँ ना धो लेती हूँ, वरना फिर बहुत सारे जमा हो जाते हैं। बस एक पतीली बची है, उसमें दाल थी,
इसको भी निकाला है मैंने, और ये सालन देखें रेडी हो गया है हमारा। और बस अभी जो है वो थोड़ा रोटी बनानी है, नाखून काट रही हूँ उसके नैल्स काटने के लिए, वो भाग जाती है वो महसा ये बैठी आओ नैल्स काटो, बाल कैसे आपने सही नहीं बनवाए। अच्छा अच्छा बाल बनवा लो, बाल बनवा लो, बाल बनवा लो, आ जाओ ना। देखो फिर बहुत गंदे गंदे हो जाते हैं ना नेल्स, गंदे गंदे हो जाएंगे आपके, कटवा लो। नो क्यों नो, फिर गंदे गंदे हो जाएंगे, उससे आप खाना खाओगी, गंदे नेल से खाना खाओगी नहीं बंद नहीं करो, अंदर आओ। बहुत अच्छी गुड़ी है, मेरी नेल्स कटा लेती है। ले लीजिए, सो जाओ सिद्दी, बहुत तंग करती हो मुझे, बाय बाय। ये देखे उमेजा के काम, ये जो है ना क्रीम वाले बिस्किट की क्रीम निकाल लेती है सारी, और ये बिस्किट सीधा छोड़ देती है। मूड होता है तो खा लेती हैं बिस्किट, वरना जो है ज़ाया ही होके जाते हैं। चिड़ियों को डाल देती हूँ मैं तोड़ के ना, कौवे चिड़िया वगैरह जो भी खाना चाहें वो बिस्किट खा सकते हैं। चलें जी, काम सारा ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अभी, और जो है आज जो है ना सुबह से उठने के बाद, यानी बच्चों की आज फेयरवेल पार्टी थी स्कूल में, और उसके बाद जो है ना मैं फिर सोई नहीं ना, तो सोई नहीं, मैंने बहुत सारे ना एक्स्ट्रा काम निकाल लिए थे आज ना, तो बस अभी मैं सारे काम मैंने ख़त्म कर लिया, फिर मैं शावर लेने चली गई थी, और जब शावर लेकर आई हूँ तो मैज़ा का कारनामा था, उनकी तबीयत मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, उसको नज़ला वगैरह बहुत फ्लू रहा, फिर खांसी, तो अब उनकी जो है ना वो बलगम है वो निकल रहा है ना, दवा खा रही है ना, तो वो उसने वॉमिट करी हुई थी, तो वो आके मैंने देखा तो हाजी अब्दुल्ला थे, अब जाहिर सी बात है वो बस उसको पकड़ के बैठे हुए थे, तो मैं आई हूँ, फिर मैंने वॉमिट साफ़ करी उसकी अभी मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों को मैं खाना देकर आई हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं जो हूँ रेस्ट कर लूँ, ईद के बाद जो है अभी मैंने व्लॉग शूट किया, यानी कि आज जो है मैंने थोड़ा मैंने कहा चले बना लेती हूँ, तो ईद के जो जितने भी सारे व्लॉग्स थे आपको बहुत पसंद आए, तो प्लीज़ आप जो नए देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो कमेंट्स नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर किया भी जो है वो इस वाले व्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, तो इंशाल्लाह जो है कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, कल क्या करते हैं, वैसे तो गर्मी में कहीं निकलना नहीं हो रहा है, और हस्बैंड भी आजकल बिजी हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो भी होगा नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म, और ब्लॉग को लाइक ज़रूर दे दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।